हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम। वेलकम आपका है मेरी इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं मूवी देख लूँगा आज थिएटर में जो तेलुगु फिल्म थैंक यू की, जिसकी लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे नागा चैतन्य। अब बात करूँ दोस्तों, फिल्म में क्या है खास कर, इस फिल्म को देखना चाहिए भी नहीं, और दोस्तों फिल्म देख के मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बोलगा। देखो, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर विक्रम कुमार ने। इससे पहले उन्होंने इनके साथ मानम जैसी एक ब्लॉकबस्टर मूवी देखी, जो मैं कहता हूँ अब तक की तेलुगु फिल्म में जो मतलब फैमिली फिल्म होती ना, मतलब उस को लेवल को ना बहुत ही अलग कर दिया था उस फिल्म ने। और दोस्तों, ये वापस उनके साथ एक फिल्म लेके आए जिसका नाम है थैंक यू। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर आपको कहानी देखने मिलेगी एक ऐसे कॉरपोरेट बिजनेसमैन की जो सक्सेसफुल है हद से ज़्यादा, लेकिन उसको साथ में घमंड भी जाता है, यानी नागा चैतन्य को। वो कहता है जो कुछ किया ना मैंने किया है, मेरी मेहनत से किया है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैंने बहुत स्ट्रगल की है, अब मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर हूँ। लेकिन दोस्तों, उसकी लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट आ जाता है जब उसको रियलाइज़ होता है कि यार जिस लोगों ने उसकी मदद की थी ना इतना ऊपर उठने के अंदर, लेकिन उन लोगों से वो दूर हो गया है, उनको मतलब इग्नोर कर रहा है, चाहे वो राशि खन्ना हो चाहे उसके फ्रेंड्स हो। लेकिन दोस्तों, बाद में वो चल पड़ता है एक ऐसी जर्नी पर, उन लोगों से मिलता है, उनको थैंक यू कहता है कि उन्होंने उस टाइम पर उसकी ऐसी मदद करी। दोस्तों, फिल्म की जो प्लस पॉइंट है उसे माइनस पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये एक ऐसी मूवी है जिसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। जी हाँ, कई फिल्में ऐसी होती हैं जो लास्ट तक आपको सीटों से बांधे रखती है, आपको तो यो अब क्या होने वाला है, ऐसा इसमें कुछ है नहीं है। एक गजब की जर्नी है एक ऐसे बंदे की, जिसको सक्सेसफुल जो मिला है ना, उसको कैसे मिला है और किन लोगों ने उसका साथ दिया था, अब उनको कैसे इग्नोर कर रहा है, वो दोस्तों हमें इस फिल्म में देखने को मिला। एक बार बताऊँ, इसका अगर एक ऐसा व्हाट्सअप स्टेटस बना दिया जाए ना, जब इसका एक अच्छा सा मतलब प्रिंट आएगा, तब वो जैसे बैकग्राउंड मूवी चलता है मन के मेरे करम, जैसे आप लोगों स्टेटस देखते हो, उसमें एक ऐसा सीन भी दोस्तों जो बंदा वास्तव में रो पड़े, इतना गजब का सीन है उस सीन पे। दोस्तों, अगर ये पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना तो मैं कहूँ दोस्तों तबाही मचा देगा, इतना यार शानदार वो सीन है। वो जो मूवमेंट है ना, इससे बंदा सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकता है, वो चीज़ बोलने वाली नहीं है। ये इतनी शानदार फिल्म दोस्तों, मैं मज़ा आ गया यार, यानी कि ये फिल्म देख कर ना आप खुश हो जाओगे, आप कहोगे यार एक ऐसी फिल्म देखी है जहाँ पर हमें ना वो सब कुछ एक ऐसी चीज़ देखने मिली है जो कहीं ना कहीं किसी से जुड़ी हुई है, यानी कि उन चीज़ों की जिन लोगों को सक्सेस मिली है, लेकिन उनके पीछे किन किन लोगों का हाथ था, उनके दोस्तों का, उनकी मतलब, लेकिन वो उनकी कदर नहीं करते, वो हमें दोस्तों इस फिल्म में दिखाएंगे कदर करना, जो एक बहुत ही शानदार फिल्म है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये एक एंटरटेनमेंट फिल्म है, अपने परिवार से दोस्तों इस फिल्म को आराम से देख सकते हो, ये फिल्म इतनी सुपर्ब है। तो मेरा एक छोटा सा रिव्यू था इस फिल्म के लिए, फिल्म गजब की है। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।